कबाब को बनाने के लिए मैंने लिया है चिकन जो कि है 200 ग्राम बोनलेस चिकन है 200 ग्राम। उसको हम डाल देंगे एक मिक्सचर में क्योंकि हमने इसका बनाना है कीमा। और उसके साथ ही मैं ऐड करूंगा इसमें कौन से हमारे प्याज हैं, थोड़े से प्याज इनको मैंने भून कर लिया था, प्याज डाल दिए, 1 टेबलस्पून बेसन का पेस्ट, थोड़ी सी हरी मिर्चें टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पुदीना, नमक 1/2 टेबलस्पून और जीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबलस्पून, थोड़ी सी लाल मिर्च और या फिर टू टेस्ट, थोड़ी सी हल्दी ली है मैंने। और अब हम इन सब चीजों को कर देंगे मिक्स की मदद से। और साथ ही इस पर हम करेंगे थोड़ी सी मसाले में, इसमें डाली मसाला चीज, अब हम करेंगे मिक्स। तो अब हम इनके बनाएंगे कबाब। कबाब बनाने के लिए आप एक चम्मच ले लें कोई सी भी, ये आम चम्मच है। और इसके साथ ही ये मेरे पास पानी है थोड़ा सा, मैं हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लूँगा ताकि जो इनसे कबाब का वो चिपके ना। आप इस पर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी लिया चिकन इस पर चम्मच पर, और इसको इस तरह से चम्मच पे हमने इसको दबा देना है इस तरह से। साइज आप जितना मर्जी रखना चाहे आप रख सकते हैं, कम या ज्यादा भी कर सकते हैं इसमें। तो पानी आप ज्यादा लगाएं इससे जो सा है वो कबाब आपके हाथों पे चिपके जाने। तो ये देखें इस तरह से आपने कबाब बना लेने, फिर इसको जो सा है आपने चम्मच से हमने इसको बाहर निकाल लेना है, से बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारे यहाँ से कबाब है वो तैयार हो चुके हैं। ये भी कबाब तैयार हो चुका है और अब हम इनको करते हैं फ्राई। और फ्राई करने के लिए हम लेंगे पैन, मैंने डाल दिया था ऑयल, ऑयल जो सा वो मेरे गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपने कबाब जो हमने बनाए थे, पहले टिक्की करेंगे एक साइड, फिर टिक्की करेंगे दूसरी साइड करेंगे डालने के बाद कुछ फंसने पर। और पहले मैं एक साइड फ्राई करूंगा फिर इनके दूसरी साइड फ्राई करूंगा। जो से पहली साइड में फ्राई हो चुकी है, अब हम इसकी कर देंगे साइड चेंज इस तरह से। और जो इसकी फ्लेम है वो अपना रखनी है मीडियम पर। अब इसकी ये साइड फ्राई करेंगे, जब ये साइड हो जाएगी तो इसकी दूसरी साइड फ्राई कर देंगे। हमारे जो चिकन चीज़ का बाग है वो तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो आपने भी इनको इसी तरह से बहुत ही प्यारे कलर से ब्राउन कर लेना आपने। तो हमारे बहुत ही मजे के चिकन जो से कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी दिखाई है इनकी। तो मैं आपको अंदर से खोल के भी दिखाता हूँ किस तरह का बना है। तो ये देखें कितना प्यारा बना अंदर से। तो इस तरह से आप इसको खाएं
ले मजे चिकन कबाब के। बहुत ही मजे का बना है, घर में इसको जरूर ट्राई कीजिएगा।